जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का वारजाट यूट्यूब चैनल पे। आज इस सेशन में अपने ए टू जेड 12th लेवल का फॉर्म भरने का देखेंगे। सीईटी 12th लेवल का फॉर्म आज ही स्टार्ट हुआ है, अभी अभी रात को 12 बजे। तो जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हुआ, सभी साथी ऐसे सोच रहे हैं कि कैसे फॉर्म भरूं, वो भी घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से बिना उम्मीदवार वाले को फीस दिए हुए। तो अब OTR सिस्टम जो भी है वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर बता दिया है कि कैसे आपको करना है, जिससे आपकी कोई भी गलती नहीं हो। तो उन सारे जो आपका जवाब है वो आपको उस वीडियो के अंदर मिल गया। OTR आपको करना है तो उसके लिए वो वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। CET 12th लेवल का फॉर्म, ये 5 मिनट का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप अपना फॉर्म भरिए। क्योंकि आप अपना खुद का फॉर्म भरते हैं कोई वीडियो देखे बिना, तो आपकी कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी कोई गलती नहीं होगी, और स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा फॉर्म भर के आपको दिखा दूंगा, जिसके अंदर सबसे आसान तरीका, चाहे मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो कंप्यूटर, किसी से भरो आप, चाहे कोई दिक्कत नहीं आएगी। फोटो साइज सेट करना वो भी बता दूंगा, तमाम ऐसी जानकारी मैं दे दूंगा, स्क्रीन के अंदर आपको दिखा दूंगा पूरा तरीके से आपको कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है। और आगे बढ़ने से पहले, स्क्रीन पे चलने से पहले एक जानकारी दे देता हूं महत्वपूर्ण, कि आप CET 12th लेवल का फॉर्म भर रहे हैं तो CET पास करने का भी मकसद होगा आपका 40% का। तो आप 40% तो क्या, 80-90% आप इस नोट्स में से पढ़ सकते हो, जिसके अंदर आपको जो CET ग्रेजुएशन लेवल के भी नोट्स इसके अंदर अवेलेबल है, और इसके अंदर आपके 12th लेवल के भी अवेलेबल है। हासली के नोट्स PDF रहेंगी इसके अंदर आपके, जो आपके ORJAT ऐप पे मिलेगा। कहां मिलेगा? ORJAT ऐप पे। कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 8875517800 नंबर पे। सभी विषयों के कॉम्बो नोट्स है इसके अंदर, इसके अंदर है कॉम्बो नोट्स। और विषय वाइज आप किसी पर्टिकुलर विषय का चाहिए कि मेरे तो हिस्ट्री की कमजोर है तो हिस्ट्री देख लेता हूं एक ही सिर्फ, तो हिस्ट्री के आपको अलग से मिल जाएगी। प्रति विषय के 51 रुपए के है, और पूरे कंप्लीट नोट्स लेते हो, जिसके अंदर हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, कल्चर, कुछ भी हो, मैथ, साइंस, सारे नोट्स आ जाएंगे। वो नोट्स आपको मात्र 151 रुपए के अंदर अभी प्ले स्टोर पर जाके ORJAT ऐप डाउनलोड करिए, उसके अंदर लीजिएगा। अब चलते स्क्रीन के ऊपर, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देख के जाइए, ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं रहे। ये आपका डैशबोर्ड रहेगा, जिसके अंदर SSO ID आपको दिख रही है। SSO ID में लॉग इन करना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे ID पासवर्ड डाल के यहाँ पे आपको कैप्चर कोड डाल देना है, और कैप्चर कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे इंटर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंटर पे क्लिक करोगे, आपके डैशबोर्ड पे आप अचल चले जाओगे। आपके यहाँ पे रिसेंट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा होगा, या फिर रिक्वायरमेंट पोर्टल ऑप्शन आ रहा होगा। मैं आपको क्लीन करके आपको सारा बता देता हूँ, जिसके अंदर आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसके अंदर आओगे। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल नाम आ जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा। आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो वो पहले वाला वीडियो आप जाके जरूर देख लेना, लिंक आई बटन में ऊपर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जिससे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ वन टाइम पे क्लिक करके, वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता, फीस पे करना होता, वो आपने कर दिया पहले ग्रेजुएशन फॉर्म में, या पिछले साल आपने कोई वैकेंसी भराया तब आपको कोई जरूरी नहीं है। और इसके अंदर आपको EKYC नहीं किया, वो EKYC भी करना होता, वो EKYC आपने कैसे करना है वो सारा आपको प्रोसेस बता रखा है, वो आप जाके देख रहे हैं। अभी आपको CET 12 लेवल का सीधा फॉर्म भर के दिखाऊंगा, जिसके अंदर आप देख सकते हो CET एलिजिबल टेस्ट, जो आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 RSSB यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने सारा डाटा आएगा, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ पे आपको नाम और मोबाइल नंबर वगैरह सारा आ रहा है कि आप इसके अंदर जो आपका डाल रखा है वो सही है या गलत है। सही है तो आप प्रोसेड पे क्लिक करिए, नहीं है तो आप अपडेट पे क्लिक करके अपडेट करवा सकते हैं। वो आपका OTR अपडेट होता है, जिसके अंदर आपके आधार कार्ड से आपने OTR किया, जन आधार कार्ड से किया, उसी माध्यम से होता है। वो आपने नहीं किया तो वो मित्र वाले से जाके ट्राई करिएगा, आप खुद से OTR अपडेट नहीं कर पाएंगे, बहुत दिक्कत आती है OTR के अंदर, ठीक है। प्रोसेड पे क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप का फॉर्म आ जाएगा, जिसके अंदर आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूं, बाकी आपकी सारी चीजें हाइड करके रखता हूं यूट्यूब पॉलिसी की वजह से, और बाकी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक सारी जानकारी दिखा दूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको विवाहित है या नहीं है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, इसके बाद यहाँ पे आपको 00 कर देना है यहाँ पे आपको, इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल रखा है, अल्टरनेटिंग मोबाइल नंबर आप डालना चाहते हो तो यहाँ पे डाल दीजिएगा, अन्यथा नहीं, जरूरी नहीं है। आप मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर डालोगे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे आप एडमिट कार्ड वगैरह देख सकते हो, सारा प्रोसेस आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर डाल दिया, Gmail ID डाल दी, यहाँ पे आपको अनुसूचित क्षेत्र 9 कर देना है, या फिर अनुसूचित क्षेत्र में आते यस करिएगा। इसके बाद आपको एड्रेस भरना है, इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे करने के बाद ये पूछ रहा है मोबाइल नंबर और Gmail ID आपका करेक्ट है, तो यस पे क्लिक करिएगा, आपसे चेक करके उसके बाद अपना स्टेट और
इसके बाद आपको ग्रेड जिले ये सारा सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप इसके अंदर भूतपूर्व सैनिक है या नहीं है, यस नो करिए। इसके बाद उत्कृष्ट खिलाड़ी है या नहीं है, नो करिए। इसके बाद इसके अंदर आपके राजस्थान सरकार के कर्मचारी है या नहीं है, यस या नो करिए। और इसके अंदर आप नोट एप्लीकेटेड कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर आपको मैं बता दूं, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, जिसके अंदर आपने ओटीआर के सबमिट किया था वो सारी इसके अंदर चीजें आ चुकी है। अब और भी कोई आपका रह गया तो इसके अंदर आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि इसके अंदर 10वीं और 12वीं की डिटेल सबमिट कर रखा है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। मैं यहाँ से चॉइस कर लेता हूँ 50 से 100 KB के बीच में, ये फोटो यहाँ से मैंने अपलोड कर दिया है। और यहाँ पे इस टाइप का व्हाइट बैकग्राउंड का आपका एकदम क्लियर फोटो होना चाहिए। और फोटो लैपटॉप से रिसाइजर कर रहे हैं तो फाइंड ओपन करके वहां से रिसाइज कर लीजिएगा, और गूगल मोबाइल से कर रहे हैं तो एक फोटो रिसाइजर ऐप नाम ऐप आता है उससे आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर आप हमेशा जैसा लिखते हो वही लिखना है, आपका चेंजेस सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी बड़ी दिक्कत आ जाएगी आगे सिग्नेचर के करते टाइम, ठीक है। इसके बाद आपको हस्ली के नमूना वेरीफाई आपका हो चुका है ओटीआर के अंदर, कोई आपका डाउट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अपलोड कर दिया, यहाँ पे आपके बॉडी मार्क कुछ है तो यस करिएगा, और बॉडी मार्क जो है आपका चेस्ट पर कुछ है, चेहरे पर कुछ दाग है तो वो आप चीज लिख सकते हो, मैं यहाँ पे नो लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्म प्रीव्यू दिखा देगा, आप अपना फॉर्म चेक कर लीजिए कि आपने जो भरा है वो सारा सही है या नहीं है। सही है तो फिर ठीक है, और नहीं है तो आप सही अपना करिएगा, ठीक है। यहाँ पे हैंड रिटन नमूना और लाइव फोटो जो प्रूफ था वो आपका ओटीआर केवाईसी के अंदर हो चुका था, यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट कर देना है। यहाँ पे आप अपना डिटेल चेक कर लीजिएगा कि सही है या नहीं है, सारी सही है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं फाइनल सबमिट कर देता हूँ, एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है, सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे आपकी मोबाइल नंबर जीमेल आईडी पे ओटीपी गया, ओटीपी डालिए और सबमिट हो जाएगा आपका।